अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है वो हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट उर्दू के क्वेश्चन आंसर और मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारा पेपर इंशाल्लाह 2024 में आने वाला है या उसके चांसेस हैं आज हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। और बात सारी ये है कि बेटा हम तो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो है वो ज्यादा बेहतर करने वाला है। और हमारे जो अंदाजे हैं वो 2024 में जो लगाए गए हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस कर रहा हूँ कि जो चीजें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और जिन चीजों पर आप ज्यादा जो है वो नजरसानी करेंगे। अच्छा जी, आपको जैसे कि पता बेटा आपका उर्दू का पेपर जो है वो तीन पार्ट में या फिर थ्री पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपके पास हिस्सा अलिफ, उसका दूसरा है आपका हिस्सा बे और तीसरा है आपका हिस्सा जीम। हिस्सा अलिफ में जैसे कि बेटा हमारे पास है कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिनको हम दूसरे लफ्जों में या इंग्लिश में एमसीक्यूज भी कहते हैं, ठीक है जी, एमसीक्यूज कहते हैं। और ये एमसीक्यूज भी देखा जाए तो बेटा दो तरह से आपके पास पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि चैप्टर वाइज आते हैं, जो चैप्टर आपके सिलेबस में मौजूद है या तो वहां से पूछे जाएंगे, दूसरे या उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो एमसीक्यू या तो नज्मों से या अशार से या आपके पास उर्दू की हिस्ट्री से या आपके पास उर्दू के जो या गजलियात के जो भी थे बानी थे या और दूसरी चीज जो भी हमारे पास नसर निगार थे या शोरा कराम थे उनको जो लकब दिए गए या वो जिस नाम से जाने जाते थे उसके ऊपर आपके जो है वो एमसीक्यूज बनते। अब बात आती है सर एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, फिर बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि बेटा एमसीक्यूज आपको पता है कि पास्ट ईयर्स को जो है ज्यादा फॉलो किया जाता है एमसीक्यूज में। और इसके अलावा आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर्स, आपकी बुक में नज़म, आपकी बुक में गजल और आपकी बुक के अंदर मौजूद जो भी नसर निगार शोरा कराम जिनको जिन अलकाबात से जिन खिताबात से जिनको नवाजा गया है, जैसे कि मीर तकी मीर को शहनशाह गजल कहा जाता है, ठीक है जी, और इस तरह मीर दर्द को जो है वो तसव्वुफ का इमाम कहा जाता है, इस तरह के आपके एमसीक्यूज बनकर आते हैं, ठीक है जी, कि भाई ये चैप्टर ये फला चैप्टर है या फला चैप्टर का जो ये लाइन है ये कौन से चैप्टर से ली गई है, ऑप्शन में आ गया, इस तरीके से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज के बाद जो सेकंड पार्ट है वो है हिस्सा बे। हिस्सा बे के अंदर आपके पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्तिबास की तशरी। आपके पास ये चैप्टर है इक्तिबास की तशरी और इस इक्तिबास की तशरी में, अच्छा पहली चीज मैं आपको बता चलू व्हाट इज इक्तिबास या इक्तिबास हम किसे कहते हैं, ठीक है, इक्तिबास का मतलब बेटा ये होता है आपको दिए गए कुछ चैप्टर होंगे, चलो चैप्टर के साथ साथ नाम भी मैं आपको बता दूंगी, चैप्टर होंगे जिसमें हमारे पास कौमी इत्तेफाक, ज़बाने गोया, फाके में रोजा। अच्छा ये चैप्टर्स आपको जो है वो दिए जाएंगे या इन चैप्टर्स में से कुछ पैराग्राफ आपके पास दिए जाएंगे और जिंदगी आपके पास कौमी इत्तेफाक का पैराग्राफ आ गया, ये आपके पास ज़बान गोया का पैराग्राफ आ गया, ठीक है जी, और ये वाला जो आपके पास फाके में रोजा का आपके पास इक्तिबास का एक पैराग्राफ आ गया। अब बात यह है कि इक्तिबास का जो क्वेश्चन आपके पास आता है या क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या होता है, उसमें लिखा हुआ यह होता है दिए गए इक्तिबास में से किसी एक इक्तिबास की तशरीह करें और उसी इक्तिबास के अंदर उसी इक्तिबास में आपके पास लिखा होता है और सबक का हवाला और सेकंड सबक के जो मुसन्निफ है ना सबक के जो मुसन्निफ हैं आपको उनका भी जो है वो हवाला या एक छोटा सा तारुफ देना होता है,
मेरी बात, छोटा सा जाता सबक का हवाला और सबक का आपको ये सबक के जो मुसन्निफ है उनका एक छोटा सा तारुफ आप लोगों को जो है वो देना होता है। आप लोगों को पहले इक्तिबास को समझा रहा हूँ, असल में इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। अशआर का तो ये है, असल में बात ये है इसका बे के अंदर से पहला क्वेश्चन आता है ना आपका अशआर की तशरीह वाला है, लेकिन इक्तिबास से मैं ज्यादा आप लोगों को इसलिए डालना हूँ क्योंकि बहुत बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी मैसेजेस मेरे पास आए जिनको प्रॉब्लम थी इक्तिबास की तशरीह में, उनको पहले इक्तिबास का मैं समझा दूं क्योंकि इक्तिबास में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है जी, अब बात आती है सर इक्तिबास की तशरीह चले हमने कर ली या हमें इक्तिबास की तशरीह आती है, सर इसको करना किस तरीके से होगा या इक्तिबास को हम किस तरीके से जो है वो फोकस कर सकते हैं या हम इक्तिबास को जो है वो किस तरीके से देख सकते हैं। तो मेरा इक्तिबास को जो देखा जाता है या इक्तिबास को हम जो नोट करते हैं उसमें हमारे पास कुछ चीजें गिवन होती है। आपके पास ये क्वेश्चन है इक्तिबास की तशरीह, तो इस क्वेश्चन के टोटल जो मार्क्स होते हैं वो कितने भाई, छह। कितने भाई, छह। और इसी तरह आपके पास सबक हवाला है मुसन्निफ और हवाला है तो सबक का हवाला और सबक के मुसन्निफ के हवाले, इसके नंबर है दो। मतलब क्या है इसका कि अगर आपने सिर्फ तशरीह करी तो छह नंबर आपको नहीं मिलेंगे। मतलब पहले मुझे एक बात ये बताएं, मैं आपसे मिलने आऊं या और मैं आपसे मिलने आऊं और आपके साथ आपके वालिद खड़े हैं, ठीक है जी, या आपके दोस्त खड़े हैं, मैं आपके पास आऊं, आप मेरे से डायरेक्ट चल देंगे, क्या करेंगे आप पहले? पहले मैं क्या करूंगा कि पहले मैं आप मुझे जो है अपने दोस्त से मिलवाएंगे, ये हमारे सर हैं, ये हमारे कौन है सर हैं और ये हमें पढ़ाते हैं जी मास्टर्स कोचिंग सेंटर में या जहां भी पढ़ाते हैं, तो ये जो है वो मेरे सर हैं और मुझे इनके साथ कुछ काम के जाने। तो पहले आप किसी भी चीज का क्या बयान करते हैं, तारुफ। किस चीज का तारुफ, कोई भी चीज हो उसका पहले आप तारुफ बयान करेंगे, तारुफ बयान करने के बाद आप सेकंड काम करेंगे। आप ये देखिए जब आप फॉर एग्जाम्पल हवाला मुसन्निफ आप लिखेंगे, हवाला सबक आप लिखेंगे, तो हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ के बाद जब हमारे पास सेकंड चीज थर्ड चीज आती है और क्या होती है, तशरीह। क्या होती है भाई, तशरीह होती है, थर्ड चीज तशरीह होती है ना। मतलब फर्स्ट और सेकंड चीज क्या है हमारे पास, हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके पास आया, अनंत समझना आ रहा है अनंत, आपके पास तीन इक्तिबास मौजूद हैं, एक दो तीन, जमा समझ में आ रहा है, या तो तीन क्वेश्चन हैं, ये तीन आपके पास इक्तिबास हैं, तीन इक्तिबास में से आपको जो दिए गए हैं ना इसमें से आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कौमी इत्तेफाक को आपने टिक कर लिया कि भाई ये मुझे आता है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करूंगा। अब बात आ गई सारी सॉल्व करने की, अच्छा जी आपने हेडिंग डाल दी है, अच्छा जी आपने हेडिंग डाल दी है इक्तिबास की तशरीह, डाल दी हेडिंग इक्तिबास की तशरीह डालने के बाद या इसकी हेडिंग डालने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हवाला है इक्तिबास, ठीक है जी, और हवाला इक्तिबास में आप सबक का भी हवाला देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इक्तिबास हमारी उर्दू की दर्सी किताब गुलजारे उर्दू से लिया गया है और इस इक्तिबास के सबक का नाम कौमी इत्तेफाक है और कौमी इत्तेफाक के मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान। आपने यहां पर आके इक्तिबास का हवाला दे दिया। कुछ जगहों पे ऐसी चीज नोट की जाती है कि वहां पर आपने जो सिर्फ इक्तिबास के जो सबक है ना उसका नाम बताया और तारुफ को क्या कर दिया, फाइनल नहीं, तारुफ को फाइनल नहीं करना। आप ये समझे कि जिसको हम अपनी कॉपी दे रहे हैं या जो हमारा कॉपी चेक कर रहे हैं उसको कुछ भी नहीं पता, हम उसको बता रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, जब आप किसी को कोई चीज समझा रहे हो, कोई एग्जाम्पल आपने जो कुछ दो
बच्चे ऐसे हैं जिनको काफी सारी चीजें बदल, लेकिन फिर भी उनको खोल दूंगा, हर चीज बता दूंगा। इसकी वजह क्या है, ताकि उसको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने बता दी कितनी चीजें आएंगी भाई हवाले सबक में, हवाले सबक में कौन कौन से सबक का नाम, ठीक है जी, मुसन्निफ का नाम, बस यहां पर आके आपका हवाला इक्तिबास खत्म। क्लियर हो गई कि ये इक्तिबास हमारी उर्दू की दरसी किताब गुलजारे उर्दू से लिया गया है, और इस सबक का नाम कौमी इत्तेफाक है, कौमी इत्तेफाक है, और इसके नसर मीनार का नाम सर सैयद अहमद खान है। बस ये हवाला इक्तिबास आपका खत्म। अब इसके बाद आएगा हवाला है मुसन्निफ। हवाले मुसन्निफ को हम तारुफ मुसन्निफ भी कहते हैं या मुसन्निफ का हवाला भी कहते हैं। अब इस मुसन्निफ के हवाले में आपको सर सैयद अहमद खान की कुछ तारीफें बयान करनी है, जो हद से दो लाइनों में, कि सर सैयद अहमद खान जो है वो उर्दू नसर निगार, उर्दू नसर निगारी के जो जीते जागते जो है वो चिराग है, आपके जो तहरीरें थी उसमें सादगी और सलासत पाई जाती है, आपकी तहरीरों में मिसाली अंदाज मौजूद है, आपकी तहरीरों का अंदाज जो है वो इस्तेदलाली था, आप जो बात कहते हैं दलील के साथ कहते हैं, और जिसका जीता जागता सबूत ये कौमी इत्तेफाक सबक है। क्लियर हो गई, आपने छोटा सा हवाला इनको दे दिया। फिर बता दू हवाले में हम क्या चीज देंगे, हवाले में हम देंगे तारीफ या तारीफ सर सैयद या मुसन्निफ या नसर निगार। ठीक है, आपने तारीफ बयान करनी है मुश्किल से दो तीन लाइन में, फिर उसके बाद ये करने के बाद आप जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं इस तरह करते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहां पर आपने दोनों चीजें कर ली तो आपके दो नंबर क्या हुआ है, ओके इंशाल्लाह। ठीक है जी, बार बार इंशाल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ जो हो सकता है अल्लाह ताला को मेरी ज्यादा पसंद है और मेरी वजह से कई लोगों को जो है वो फायदा हो जाए। आमीन। दो नंबर हो गए आपके। अब ये आपने करने के बाद आपके इक्तिबास होगी तशरीह वाला जो मामला का वो क्या हो गया, आधा कंप्लीट हो गया। अब इक्तिबास करने वाला मामला जो खत्म हो गया, अब जो आप नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे उल्टा डालेंगे, नेक्स्ट सेटिंग क्या होगी भाई, इक्तिबास की तशरीह या सिर्फ तशरीह। अच्छा, यहां पर आप इक्तिबास की तशरीह भी डाल सकते हैं और यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपके हिस्सा बे का क्वेश्चन नंबर टू है और आपके उर्दू के पेपर का क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्लियर हो गई। अब आपने तशरीह शुरू करनी है। देखिए, तशरीह शुरू करने का तरीकेकार क्या होता है, आपने पहले सुकून से इक्तिबास को पढ़ना है, पढ़ दिया। अच्छा, इन दोनों चीजों से पीछे में एक चीज और है, इक्तिबास को आपको जैसे पता है ना, हम बचपन से एक चीज सुनते हुए आ रहे हैं, जब अशआर की तशरीह वगैरह हम करते थे नाइन मैट्रिक के अंदर, हमारी टीचर क्या समझाती थी कि हर शेर का या हर गजल का या हर शायर में कुछ ना कुछ ऐसा जो है लफ्ज डाला हुआ होता है जिसकी वजह से पहचान सकते हो कि ये नजम या गजल किसकी है, मीर तकी मीर की है। जैसे कि नाइन क्लास में एक मीर तकी मीर की जो गजल है वो है फकीर आना है सजा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले, याद है। आगे चलो, तो इसी तरह जो चले चले वाले जो ऑप्शन था ये हमारे पास कहती हिंट थी या ट्रिक थी कि भाई किसकी किसकी गजल है, मीर तकी मीर की। इसी तरह आपके पास जो इक्तिबास दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कौमी इत्तेफाक का या जबान गोया का या फाके में रोजे का या आपके पास उर्दू जरिया तालीम का, ये तमाम इक्तिबास के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं या कुछ ना कुछ हिंट्स होती हैं। जैसे अगर हम कौमी इत्तेफाक की बात करें तो कौमी इत्तेफाक के अंदर जो हिंट है या ट्रिक है वो क्या है कि आपको इस चैप्टर में कौम का लफ्ज, इत्तेफाकी का लफ्ज, और इस चैप्टर के जब आप इक्तिबास को पढ़ेंगे ना
ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको जो ना इक्तेबास के जरिए चैप्टर के जरिए कोई चीज समझा रहा हो या इसलाह कर रहा हो। तो ये कुछ तीन तरीकेकार हैं इक्तेबास को पहचानने के जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप उसमें देखें कौन सा लफ्ज सबसे ज्यादा आ रहा है। अब जैसे जबान गोया है, जबान गोया के हर इक्तेबास में आपको जो ना जबान और बोलने के अंदाज को बताया जा रहा है, उसके फायदे और नुकसान बताए जा रहे हैं। इसी तरह फाके में रोजे गए तो उसमें बादशाह का जिक्र, महल का जिक्र, खाने का जिक्र, रमजान का जिक्र, रोजे का जिक्र और बच्ची का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ हिंट्स होती है जिनको पहचान कर जो है हम अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां तक होगी, आगे चलूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात आ रही किस चीज की, इक्तिबास की तशरीह की। मैंने भी आप लोगों से एक जुमला कहा था, मैंने कहा जब आप इक्तिबास की तशरीह करने के लिए बैठे ना लगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा था जब आप तशरीह करने बैठे, देखिए बेटे तशरीह करने आप बैठते हैं ना तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्तेबास आ गया, ये तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। मुझे इस बात के देखने से निहायत अफसोस है कि हम सब आपस में भाई तो हैं मगर मिसले बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के आपस में दोस्ती और मोहब्बत यकदिली और यकजहती बहुत कम है। हसद बुग़्ज़ और अदावत का हर जगह असर पाया जाता है जिसका नतीजा आपस की नाइत्तेफाकी है। आपने फॉर एग्जाम्पल इक्तेबास आपके पास पहुंच गया, आपने क्या रखना है, आपने क्या करना है कि इस इक्तेबास को जो ना जहां जहां आपके इक्तेबास में कुछ गैप आ रहा है कि जहां पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है उसको आप उस तरीके से तोड़ लें। जैसे यहां से लेके यहां तक आपने तोड़ दिया, यहां से लेके यहां तक हो गया, यहां से लेके यहां तक, इसी तरह यहां से लेके यहां तक आपने तोड़ दिया उसको। तशरीह करने का अंदाज क्या होता है, देखिए बेटा तशरीह सबसे पहले आप अपने दिमाग में करें, क्या करें, दिमाग में तशरीह करें या दिमाग में अपने आप को समझाएं यार मैं जो चीज, क्योंकि बेटा ये बात तो मैं आपको कर दूं, ये जो पेपर है ये आपकी जिंदगी का पेपर होता है, इसका फैसला आपके ऊपर होता है। आप अच्छे से पेपर करोगे इंशाल्लाह अच्छे से आगे निकल जाओगे। अभी आपको पता है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या है, अभी आपको पता है नाइन्थ क्लास का रिजल्ट क्या है, आपके सामने सब कुछ। तो अगर आप इसको हल्का लोगे तो फिर आपके लिए नुकसान है और ये नुकसान फिर आपको भुगतना पड़ेगा किसी भी सूरत में, फेल होने की सूरत में भी भुगत सकते हैं आप। और कई सूरतें हैं इसकी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होते, परसेंटेज के मसले मसाइल आ जाते हैं, बहुत सारी बहुत से परसेंटेज गिर जाती है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको तोड़ा। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम आपस में भाई तो हैं मगर कौन से भाई है, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के मिसले बिरादरान यूसुफ अलैहि सलाम के। हम लोग आपस में मोहब्बत को दूसरों के सामने बहुत करते हैं लेकिन हमारे में कोई इत्तेफाकी या मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर बोगस अदावत नाइत्तेफाकी भरपूर पड़ी हुई है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट एक ही है, नाइत्तेफाकी। रिजल्ट क्या है इसका, नाइत्तेफाकी। तो इस तरह करके जब आप तशरीह करेंगे तो तकरीबन, अब बात आती है सर अगर किसी के, जैसे आपने भी चेक पढ़ा सबक, इसमें हमने आपने ढाई लाइन पढ़ी है, 2.5 लाइन जो आपने पढ़ी है। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम जो है वो तशरीह करेंगे तो कितने पेजेस की करेंगे या कितनी लाइनों की करेंगे, ये हम कितनी बड़ी करेंगे, तो बेटा इसका तरीकेकार ये होता है कि आपको हर लाइन को समझाना है। अच्छा, ये जो आपके पास तशरीह आती है, जो सवाल आता है कोई इक्तिबास का, तो उसमें एक चीज गिवन होती है कि आप जो तशरीह करेंगे वो किसके साथ, एक आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी छोटे बच्चे के सामने एक बात कहूं, मिसले बिरादरान यूसुफ, पहले तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा यार ये मिसले बिरादरान यूसुफ क्या है। जब आपने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा होगा
जब आपने लफ्ज सुना होगा मिसले बरादरान यूसुफ, तो आप खुद कंफ्यूज होंगे मैं कौन से यूसुफ की बात हो रही है, मिसल किस चीज की, मिसल क्या होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं मिसल क्या है, मिसल निकला है मिसाल से, बरादरान मतलब उनके जो भाई वगैरह थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिक्र हो रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, जिसकी वजह से कई अरसे तक जो अपने वालिद से जो है वो क्या रहे थे, दूर रहे थे। ये उस वक्त की बात हो रही है कि हम भाई को हैं मगर कैसे भाई हैं, मिसल बरादरान यूसुफ कि हमारे में हम एक साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हमारे दरमियान क्या है, मोहब्बत नहीं है, हम क्या करते हैं दूसरे को धोखा देते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। इस तरह करके आपको जो है उसकी तशरीह करनी है ताकि आसान अल्फाज भी हो जाए, सिलेस अंदाज भी हो जाए, और साथ में एक चीज और इसमें सेंटेंस होता है बा मुहावरा, आप मुहावरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको मुहावरे इस्तेमाल कभी कभार करने भी पड़ेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? इसी तरह जबाने गोया का मैंने अभी आपको इसके ट्रिक्स और हिंट बता दी है। जबाने गोया में जबान का जिक्र, बोलने का जिक्र और साथ में इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों का जिक्र किया जा रहा है। इसी तरह फातिहा में रोजे की मैं आपको कुछ बता चुका हूँ तरीकेकार, उर्दू दरिया तालीम में बता चुका हूँ। तो ये तमाम चीजें क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, इक्तबास की तशरीह के लिए। अच्छा एक अब नहीं जा रहा हूं डॉक्टर हिस्सा, अच्छा जी अब जा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को हिस्सा बे की तरफ लेकर, हिस्सा बे के क्वेश्चन नंबर वन की तरफ, हिस्सा बे का क्वेश्चन नंबर वन। बेटा ये क्वेश्चन नंबर वन आपके पास नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है थ्री आपके पास, हिस्सा बे का जो क्वेश्चन नंबर है जो पहला क्वेश्चन है इसका बेटा हुआ है क्वेश्चन नंबर टू, और इस क्वेश्चन में इसका बेटा क्वेश्चन नंबर वन और आपके उर्दू के पेपर का क्वेश्चन नंबर टू, इस क्वेश्चन में जिक्र किया जा रहा है कि सिस्टाज के आपको दिए गए अशार, आपको पांच अशार दिए गए, कितने अशार, पांच अशार दिए गए, इनमें से आप किसी दो अशार की जो क्या करें तशरीह करें। पहला सवाल हो गया, मैंने आप लोग पहली दफा भी पहले यही बात कही थी, मैंने कहा जब आप जो है वो देखिए चार किस्म के क्वेश्चन हैं जिनके जो है क्वेश्चन एक जैसे मिलकर बनते आते हैं, आपके पास अशार की तशरी, आपके पास इक्तिबास की तशरी, आपके पास मरकजी ख्याल और आपके पास खुलासा, ठीक है जी, ये चार चीजें जिनके क्वेश्चन एक जैसे या मिलते जुलते आते हैं, किस तरीके से कि चारों में आपको तशरी बयान करनी होती है, अपने लफ्जों में बताना होता है, खुलासा भी देखना आपको अपने लफ्जों में बताना है, मरकजी ख्याल देखना आपको अपने लफ्जों में बताना है, इक्तिबास की तशरी आपको अपने लफ्जों में बतानी है, अशार की तशरी आपको अपने लफ्जों में बतानी है, और फिर इन चारों क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन भी जो है उनके साथ मैच हुआ हुआ होता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि शेर का हवाला, इक्तिबास का हवाला, सबक का हवाला, नजम का हवाला, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कि जो भी आपके पास इक्तिबास के जो मुसन्निफ है उनका हवाला, अशार के जो गजल के जो आपके शायर हैं उनका हवाला, खुलासे के जो चैप्टर हैं उनके मुसन्निफ या नसर निगार का हवाला, मरकजी ख्याल जिसकी आप नजम लिख रहे हैं उनके शायर का हवाला, और फिर तीसरा क्वेश्चन होता है आपके पास तशरी, ठीक है जी, इक्तिबास में भी तशरी आती है और मरकजी सॉरी अशार में भी तशरी आती है, लेकिन खुलासे में और नजम में, खुलासे में जो सबक होगा उसको आपको खुलासा लिखना होता है अपने लफ्जों में, नजम का आपको मरकजी ख्याल मतलब सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है अपने लफ्जों में कि ये नजम किस चीज के ऊपर बेस करती है। क्लियर हो मेरी बात? आपके पास सवाल आ गया दिए गए अशार में से किसी दो अशार की तशरी करें,
और साथ में क्या है, हमारा है शेर और हमारा है शायर, हमारा है शेर और हमारा है शायर। क्लियर हो मेरी बात? आगे चलूं। अब मैं आपको बेटा हर शेर को बताऊंगा ना कि कौन सा शेर इंपॉर्टेंट है और क्या है। हाँ, मैं आपको ये कहता हूं, बच्चों को मैं ये कहता हूं कि गिनती की चार आप नज्मों की क्या कर लें, तैयारी कर लें। कितनी नज्मों की? सॉरी, गजलों की। चार गजलों की आप जो तैयारी कर लें, जिसमें हमारे पास नील तकी नील, जिसमें आपके पास नील दर्द, जिसमें आपके पास गालिब, आतिश, और एक मैं और दे देता हूं, ठीक है जी, जो होता है यहां पर दाग दहलवी। आप अगर इनके अशार की तशरीह की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों से, अल्लाह से भी, कि आप इंशाल्लाह अपना उर्दू का जो एक और क्वेश्चन है उसकी तैयारी आप लोगों की होगी। देखिए फिर मैं आपको तैयारी, अशार की तशरीह करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, मुश्किल बात नहीं है अशार की तशरीह करना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शेर है, वो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा ही दिल है जहां तू समा सके। ठीक है, एक मेरा ही दिल है जहां तू समा सके। आप अगर इसको सुकून से पढ़ें, हर मिसरे को सुकून से देखें, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, ये पांच आपके पास जो टोटल आपके पास गजलियात हैं, जिनके गजल के अगर आप शेर की प्रैक्टिस कर लें तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपके अशार की तैयारी हो जाएगी। और आप पास पेपर भी देख सकते हैं कि पास पेपर में कौन से अशार आए, जैसे मैं आपको यही कहता हूं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार भी कुछ ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले इक्तिबास की तशरीह का बताया था। सबसे पहले हमारे शेर, ये शेर हमारी उर्दू की दर्शी किताब गुलजारे उर्दू से लिया गया है, ठीक है जी। मीर तकी मीर के गजल नंबर एक या गजल नंबर दो का ये शेर, इस तरह करके आपने उसका हवाला दे दिया। उसके बाद आएगा क्या हमारे शायर, आपको थोड़ा सा मीर तकी मीर का जो है वो हवाला दे देना, मीर तकी मीर या मीर दर्द गालिब आतिश दाम दे, जो भी आपके पास शेर आपको समझ में आए, जो भी आपको ट्रिक या हिंट समझ में आए, तो आप उससे जो पहचान सकते हैं शेर कौन से किस शायर का है। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी और तो हवाला है शेर में, गजल कौन सी है और गजल के शायर कौन है, आपको ये लिख देना है, ठीक है जी। आज यहीं तक हम रखते हैं अपने गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर टू तक, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।